भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। पाक से रिश्ते सुधारने की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान जा सकते हैं। दरअसल अगले साल पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर पीएम मोदी पाकिस्तान जाते हैं तो पिछले 12 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। सार्क सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2016 से पाकिस्तान में होना है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले अफगान सम्मेलन में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंची भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि भारत और पाकिस्तान समग्र वार्ता शुरू करने के लिए राजी हो गए हैं और जल्द ही दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच मुलाकात होगी। पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया। इसके साथ ही स्वराज ने कहा कि यह वार्ता किस तरह आगे बढ़ेगी, इसके समय और तौर तरीकों पर आगे निर्णय लिया जाएगा। पेरिस में 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच कई सकारात्मक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। पीएम मोदी की यात्रा की जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में दी। दोनों देशों के संबंध में आई खटास के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का ये एक और संकेत है। सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम के पाकिस्तान आने पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि वो आएंगे। पाकिस्तान यात्रा पर आने वाले अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो जनवरी 2004 में सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। साथ ही उस दौरान वाजपेयी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से बातचीत भी की थी। इससे पहले भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि तक्षेस सम्मेलन में शामिल होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता उफा के संयुक्त बयान में भी झलकी थी। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने जुलाई में रूस के उफा शहर में हुई भेंट के दौरान मोदी को तक्षेस सम्मेलन के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मई 2014 में मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था।